अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं एक यम्मी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं आपके सामने आ जाती हूँ। और क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि ये इस्मा ही है जो इतनी मेहनत कर रही है, जॉब भी करती है और यम्मी यम्मी रेसिपी बनाती हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके सामने आ जाऊं कि ताकि आपको पता चले कि मैं ही हूँ जो कुकिंग भी करती हूँ। ठीक है, ये देखिए क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने बोला है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अभी ना सामने आती हूँ और आपके आपको ये दिखाती हूँ कि मैं ही हूँ यहाँ पे, ये मैं हूँ और ये मेरा किचन है और ये मेरा बर्तन है जिसमें मैं बनाती हूँ। अभी कोई शक नहीं रहना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, उनको मैं बोलूँगी सब्सक्राइब करें, कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक आती रहे। और अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना फेस दिखा दिया आपको, अब मेरी रेसिपी देखिए आप। चले, मैं आज बनाने जा रही हूँ कीमा आलू बैंगन। तो अभी मैं बैंगन काटने लगी हूँ। मुझे आलू कीमा बैंगन बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और मैं तो कहती हूँ कि हर चीज में कुछ ना कुछ ऐड कर लिया करें ताकि आपकी रेसिपी, आपका जो बना रहे हैं वो और ज्यादा यम्मी लगे आपको। और मैं अभी बहुत एक्टिव हो चुकी हूँ, पहले मैं जॉब नहीं करती थी, लेजी होती थी घर पे। जाहिर सी बात है जब बच्चा हो जाता है और बंदा फिर घर पे रह रहे कि ना बहुत लेजी सा हो जाता है था कुछ भी करने को। और फिर मैंने सोचा कि ना जॉब कर लूँ, अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर लूँ, और तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हूँ। जॉब के बाद मैं फ़ौरन आती हूँ घर एंड रेसिपी बनाती हूँ आप लोगों के लिए, नई नई वीडियोस चैलेंज वाली कराती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ अच्छे। बट मतलब ये कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो कुछ लोगों को फिर ऐसे लगता है देख के मुझे कि ये इतना हो ही नहीं सकती जो जॉब भी करती है और घर आके हमारे लिए रेसिपी बनाती है, ब्लॉग बनाती है, इतने सारे काम करती है। देखने में शायद लड़की लगता नहीं हो कि लड़की इतनी मेहनत करती हो, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से मेहनत कर रही हूँ, ये सब मेरे अपने ही जानते हैं तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ और दिखा भी दूँ। अच्छा जी, मैं बातें अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं रेसिपी बनाना चाहती हूँ, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। जी, मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं और डालते हैं। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ। हाँ जी, मेरा बेटा फिर आ गया, बोला अस्सलाम वालेकुम, खाना खा रहे हो? जाए शाबाश, बैठ के खाए, उनको सलाम मिल गई है सबको। कौन खा रहा है?
क्या हाल जी? ठीक है मो, अब चाय खाना चाहें आप? मुझे ऐसे पिज्जा बस आओ। पिज्जा? हाँ पिज्जा शौक के बच्चे को, पिज्जा बना कर दिए मम्मा ने और पिज्जा खा रहा है बेटा मेरा, मेरी गुड़िया। पानी डालने लगे जी, कोई बात नहीं, अब जाएं। ये 1 टीस्पून लाल मिर्च, मैंने थोड़ी सी ज्यादा डाल दी, 1 टीस्पून बहुत है। अभी 1 टीस्पून नमक डालूंगे और सूखा धनिया 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, उसके बाद बटर स्मार्ट करने लगी हूँ। कीमा मसाला है, कीमा मसाले डालने लगी हूँ 1 टीस्पून, करके मैं एक और 1 टीस्पून डालती हूँ, बहुत यमी सा टेस्ट है इसका, तो शान का है। आराम से गिराना है। जी अब हम कीमा डालते हैं, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। ये 1/2 किलो से ज्यादा मैंने कीमा लिया हुआ है, हाफ भी नहीं है और इतना ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा। अभी कवर पार्टी थोड़ी देर के लिए रखने लगे। अब मैं फ्रेश टमाटर डालने लगी हूँ, ऐड करने लगी हूँ इसमें, देखने में तो बहुत ही यामी लग रहा है। अब जल्दी से शाबाश खाना खाएं, अपना फिनिश करें। कितना यामी लग रहा है। अब इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी।
लाइक 10 मिनट्स कवर रखूंगी अब मैं। Ich liebe diesen Topf. Topf ist schön. इसको तो बंद कर। चलो जी अब इसको हिलाते हैं। थोड़ा सा कवर रखूंगी 3-4 मिनट के लिए। मैं कर देती हूँ। ओके जी ये हो गया हमें। अब इसमें ऐड करने लगी हूँ बैंगन बैंगन बैंगन। ये तो फुल हो चुके माशाल्लाह से। मुझे पहले लग रहा था कि कम बनेगा सारा, लेकिन माशाल्लाह हम ज्यादा दिन खा सकते हैं बैठ के। यामी इसमें ग्रीन मिर्च डालूंगी। ये स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है। और आप फिर मैं कवर कर दूंगी ताकि हमारे जो बैंगन है आलू है वो हो जाए। अभी 10 मिनट के लिए कवर कर लूंगी। कवर करूंगी। चूल्हा तुम्हारा यहाँ पे है और तो कर में कहीं और पे है। कोई बात नहीं, हमारी वीडियो मैं दिखाना भूल गई। इसमें मैंने 3 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डाली और थोड़ा सा ऑयल डाला तो तड़का लगाने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, लाइक कश्मीरी मिर्च को लाइक 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। स्लो में, स्लो रखना है। जब थोड़ा सा हो जाएगा ये तो उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी कीमे के ऊपर। ओके जी अब मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ। बंद कर देंगे इसको राइट 5 मिनट के लिए। इसको कवर कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। नीचे से इसको बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी और आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।